छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 19 अप्रैल को बस्तर में मतदान होना है। बस्तर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता का सम्मेलन था, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 लोकसभा सीटें बीजेपी जरूर जीतेगी। कांग्रेस में बिखराव हो चुका है, आज कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। पूरे देश में ये हाल है, आज कांग्रेस के टिकट से लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की और क्या दुर्गति होगी। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। लोकसभा चुनाव का संक्रांत हो चुका है और बस्तर लोकसभा का तो प्रथम चरण में ही है, 19 अप्रैल को यहां का मतदान होना है और हमारी पार्टी हर बार चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करती है, तो आज यहाँ पर बस्तर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हुए हैं। भारी उत्साह है, मैं लगातार 3-4 दिनों से बस्तर क्षेत्र के दौरे में हूं, हर जगह भारी संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं। आम सभा भी हो रही है तो उसमें भी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और हर कार्यक्रम में 300-400 लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार लोकसभा के चुनाव में हम लोग बस्तर लोकसभा भी जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस अब भाई जो जैसा करेगा वैसा तो भरेगा ही, अब जैसी करनी वैसी भरनी ये तो होता ही है। वो उतना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो लोग अपने आप में इतना उनमें बिखराव आ गया है कि आज कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाजपा की शरण में आ रहे हैं। पूरे देश में ये हाल है और आज कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए भी मतलब लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, इससे और दुर्गति कांग्रेस के लिए क्या हो सकती है। अभी उनका बात है लेकिन जरूर हमने जैसे कहा कि उनमें बिखराव है, आपस में भारी लड़ाई है। आप देखते हैं कि जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, अभी वो राजनांदगांव से मतलब सांसद के प्रत्याशी हैं, तो किस तरह से उनका अपमान हो रहा है, मंच में कैसे उनके कार्यकर्ता लोग उनको बोल रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य वहाँ का जो सुरेंद्र दाऊ वैष्णव है कि 5 साल तक आपसे हम मिल नहीं पाए, मिलने के लिए तरस गए, तो ये सब कितनी बड़ी मतलब एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए मतलब दुर्भाग्य की बात है।